हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट को डेस्कटॉप पर कैसे सेव करते हैं। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर गूगल स्प्रेडशीट पर हमने ये डेटा प्रिपेयर किया है। अब अगर इस डेटा को हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है, यानी कि इस फाइल को हमको डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो उसके लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए, फाइल टैब हमको यहाँ मिलता है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे को कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है डाउनलोड पे। ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। जब कर्सर हम डाउनलोड पे ले जाएंगे तो राइट साइड में हमको कई सारे ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट बता रहा है कि किस किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर पीडीएफ ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कई सारे हैं, वेब पेज है। हम यहाँ पे पीडीएफ ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जब पीडीएफ पे क्लिक किया तो ये देखिए कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये रहा हमारा डेटा जो सेव होगा डेस्कटॉप पर। अच्छा, कैसे सेव होगा? यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब हम, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये हो गई डाउनलोडिंग। यहाँ पर नेम वो वही बाय डिफॉल्ट लेगा जो नेम आपकी इस फाइल का होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए टूडेज वर्क बुक हमने यहाँ पे नाम दिया है, तो उसी नाम से यहाँ देखिए नीचे ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब इसको क्लिक करिए तो देखिए पीडीएफ फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये प्रिंटर का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ना सेलेक्ट हो तो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेजेस यहाँ से आप देख लीजिए सारी चीजें। जब यहाँ पे ओके हो तो नीचे देखिए सेव बटन का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, नाम चाहे वही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं और ये सेव पे क्लिक करते ही ये हमारी फाइल जो है डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए टूडेज वर्क बुक यहाँ पे सेव हो गई। अब इसको क्लिक करके हम ओपन करके देख लेते हैं ये वही फाइल है या नहीं। ये देखिए वही फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गूगल स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पर।